भरसवा डेयरी के राजीव नगर इलाके में आपको यहाँ का हाल दिखाएं तो आप चारों तरफ देखेंगे खाली प्लाट पड़े हुए हैं। खाली प्लाटों के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी की जो निकासी है लोग काफ़ी परेशान है, इससे बीमारी होती है लोगों को। जब गर्मी का समय आ गया, मच्छरों का डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ये सब समस्याओं से परेशान होना पड़ता है, जूझना पड़ता है लोग। आप मैं दूर दूर तक दिखाऊँगा तो दूर दूर तक खाली इलाका है और चारों तरफ पानी भरा हुआ है, इसमें गंदगी फैली हुई है, कूड़ा इकट्ठा हो रखा है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं किन समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। हमारे साथ अंकल जी, आपका नाम क्या होगा? संतोष कुमार। संतोष जी, क्या समस्याएं आती हैं? समस्या साहब, यहाँ पर सब पानी उनी सब बंद है, नाली सब बंद कर रखी है, कूड़ा करकट सब जमा रहता है, कोई सफाई करने वाला आज कर्मचारी आते ही नहीं है। तो इसकी कोई देख रेख नहीं करता है? यहाँ कोई नहीं देख रेख करता है, यहाँ कोई नहीं आता है। कोई जैसे यहाँ के विधायक हैं वो आते हैं, उनको बताया? अरे वो कभी साल में एक आध बार अगर आ गए वो भी कोई कुछ कोई वो नहीं। तो इसकी जो पानी का निकासी है वो कहीं पर भी नहीं है? कहीं नहीं है जी, अब जब जब नाली बनी है पता नहीं कब, एक साल में दो साल में कब हो कब नहीं हो। यहाँ पे झोड़ ही इकट्ठा हो जाए, जितना भी झोड़ बनता जा रहा है और गंदगी का पानी सारा फैलता ही जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कितनी बार भी कोई भी नेता आ जाए, हम उसे कहते भी हैं यहाँ का पानी का साधन करो, निकासी करो, कहीं की पानी की कोई निकासी नहीं हो रही है यहाँ पे आसपास, और सिर्फ गंदगी के अलावा कुछ नहीं, जिससे हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं आए दिन। सुअर उगर पता नहीं कहाँ कहाँ से जिनावर भी आ जाते हैं, इतने सारे पल रहे हैं यहाँ पे, मगर सिर्फ बीमारी के अलावा और कोई फ़ायदा नहीं है इसमें यहाँ पे, सिर्फ बीमार हो रहे हैं लोग बाग। और जितना भी करा जा रहा है यहाँ पे, कहते भी ना किसी को भी गंदगी है, जिनके प्लाट हैं वो लोग भराव भी नहीं कराते हैं, अपने प्लाट खरीद के डाल रखे हैं और नालियों का पानी सारा तरकीबन यहीं फैल रहा है। तो ये सारा जो पानी है, जो नालियों का पानी है, ये सब स्थानीय लोगों की यहीं की नालियों का? हाँ, यहीं की नालियों का है। ये कॉलोनी में बनती हैं, आए दिन नालियाँ बन रही हैं, तोड़ रही हैं, मगर इनका पानी का निकास तो कहीं नहीं है ना, आगे कहीं नहीं जा रहा पानी का निकास, सिर्फ ये खाली प्लाटों में ही हो रहा है और इससे बीमारियां ही फैल रही हैं, लोग आए दिन बीमार ही हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो इसके लिए स्थानीय जो नेता हैं वो आते होंगे, जैसे विधायक है, निगम पार्षद है, उनके पास कभी इस तरह की कोई समस्या? हाँ हाँ, समस्या क्या सबको बताया जाता है, मगर वो कहते हैं कि करवाएंगे, मगर ऐसा कोई भी कुछ करने वाला नहीं आता है। पहले यहाँ पे रास्ता भी था, रोड था, लड़के बड़के खेलते थे, यहाँ पार्क वार्क बना रखा था, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं साधन हो पा रहा इसका। सांस की बीमारी दिक्कत होता है, प्रदूषण देखो ये पीछे खत्ते में है, ये बंगालियों ऐसे कर रखे हैं, पानी से होता है, गंदगी है, खत्म होता ही नहीं है। ऊपर छत पर बैठ होते इतनी बदबू आता है यहाँ से, क्या बताए। समस्या तो बहुत सारे हैं जी, हाँ, लेकिन समस्या का समाधान आज तक कुछ नहीं हुआ। हमें हो गया कम से कम यहाँ 12 साल रहते हुए। तो ये जो निकासी है, ये पानी की निकासी क्यों नहीं हो पा रही है, इसका कोई कारण है जी? ये तो यहाँ का जो विधायक है उनसे आप पूछिए ना जाके, हैं, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है उनसे आप पता कीजिए भाई क्यों नहीं हो रहा। हम लोग कितना कंप्लेन किए यहाँ से, बोलते हैं कि जी आगे से निकासी है, नहीं है तो निकासी तो आप ही करवाएंगे ना, निकासी वो करवाएंगे। हमने तो कितना बार कंप्लेन दिया, यहाँ पर डेंगू हो जाता है, हमारे घर में बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। जैसे निगम पार्षद हैं, सफाई वगैरह का उनका भी जिम्मा होता है? निगम पार्षद तो अपना नाली छोटा मोटा अपना सफाई करवा जाते हैं, कूड़े भी निकलवाते हैं, जब भी हम कंप्लेन करते कर देते हैं, लेकिन ये जो बड़ा काम है वो भी तो विधायक के अंदर आता है, जो बड़ा बड़ा नाला का काम है वो है। तो मतलब निगम पार्षद काम करते हैं, विधायक नहीं करते हैं? हाँ, निगम पार्षद का तो काम ये है कि नाली का काम है, आपको तो पता ही है सब कुछ, और जो बड़ा बड़ा नाला है विधायक के अंदर में आता है, वो करते हैं कि जी हमारे अंदर नहीं है, निगम पार्षद बोलते हैं कि हमारे अंदर नहीं है, ठीक है ना। उनके पास कंप्लेन करते हैं तो बोलते हैं जी हो रहा आज तक देखिए कम से कम इस पानी को 8 साल हो गया, पूरा राजीव नगर भलेसरी का पानी यहाँ पर आता है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई रास्ता है सही? बरसातों में इतनी मतलब बुरा हाल हो जाता है कि क्या बताएं आपसे, बहुत बुरा हाल हो जाता है। जैसा कि लोगों का कहना है कि यहाँ पर स्थानीय निगम पार्षद और स्थानीय विधायक को कई बार इस मामले को सूचित किया गया है, बताया गया है, लेकिन जब भी नेता लोग आते हैं तो सिर्फ सुनकर चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और इससे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो काफ़ी परेशान हैं, दिन रात उन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ता है, गंभीर बीमारियों से उनको जूझना पड़ता है। कैमरा पर्सन करमवीर सिसोदिया के साथ मैं नवीन कुमार, सत्य केतन समाचार।